वनमंडल अधिकारी सागर के DFO महेंद्र प्रताप सिंह, उपमंडल अधिकारी DS चौहान और वन परिक्षेत्र अधिकारी रवि सिंह के मार्गदर्शन में परिक्षेत्र सागर अंतर्गत मुख्यमंत्री चरण पादुका योजना में 2022 के तेंदू पत्ता संग्राहकों को सामग्री वितरण कार्यक्रम जिला पंचायत अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत, जनपद पंचायत अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह ठाकुर, उषा प्रमोद पटेल, जिला पंचायत सागर वन समिति अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर, वन समिति अध्यक्ष जनपद JC नगर द्वारा लघु वन उपज सहकारी समिति JC नगर भापेल बिलहारा के 506 संग्राहकों को सामग्री वितरण कार्यक्रम में साड़ी, चप्पल, जूता, पानी, बोतल वितरित की गई। मजदूर के बेटे भाई को 2 लाख से लेकर 4 लाख रुपए लगे, 4 लाख। और एक कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं जो अभी 1.25 साल मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने उस योजना को खत्म कर दिया, नहीं फिर से मुख्यमंत्री बनाया, गोविंद राजपूत ने समर्थन दिया और फिर शिवराज सिंह चौहान बने। उन्होंने कहा नहीं, गरीब के लिए तो सरकार जिंदगी भर काम करे। वो बातें हैं जो कहने की भी है, समझने की। अगर आपका बेटा बेटी 60% नंबर लाता है, 60% 10,000 रुपये आपको वजीफा मिलेगा, वजीफा माने ठीक 12,000 रुपए, और अगर मान लिया जाता है तो 15,000 रुपए। आज देखिए पूरे मध्य प्रदेश में 25,000 स्कूटी, साइकिल नहीं मोटरसाइकिल स्कूटर एक एक बच्ची को दिए, एक स्कूल में 2-2 मोटरसाइकिल। हमारे बेटे बड़े, बेटियां पढ़े, आगे जाए, लंबी उड़ान भरे। पहले बेटियों की शादी के लिए जब बेटी होगी सब माताएं बहने बैठी, अगर बच्चा पेट में आ गया तो कहां जाके फिर सेठ जी, ससुर पहुंचे, दादा पहुंचे, कक्का पहुंचे, सेठ जी जो हाँ बोले बहू की लड़का होने, वो सेठ होशियार, सेठ नहीं करे होशियार होने, आओ आओ ना मल्लार बैठो। जब उनने पैसे रखे चुले आए ना तिदार लोग कर धन तोड़ बाकी की होती वो जमाने नहीं लिया है तो जेरा की लिया है तो घर जाओ। 1,000 के सामान की लागत 200 रुपया देते ब्याज वाले सेठ साहब। आज कहीं नहीं आना है, सीधा सीधा सरकार के खाते से बेटा पेट में आया 5,000, हमारी माता बहन भी उसमें हार लेगी। बच्चा पैदा होने तक 15,000, बच्ची पैदा हो जाए तो लाडली बिटिया को 1.5 लाख, बच्ची पढ़ने जाए कपड़े किताबें साइकिल सारी की सारी व्यवस्थाएं हमने कर दी। ग्रैंड भारत टीवी के लिए सागर से BP पटेल की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत TV को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।